मूवी में हमें एक कपल मार्क और एना दिखाए जाते हैं। एना एक डॉक्टर है और मार्क एक आर्किटेक्ट। एना प्रेग्नेंट है और जॉब और घर को एक साथ संभालना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। मार्क अपने काम में बहुत बिजी रहता है। एना और बेबी को वक्त देने की बजाय वो घर आकर वीडियो गेम्स खेलने में बिजी रहता है। एना अपने हेक्टिक शेड्यूल से ब्रेक चाहती है, तो जर्मनी में वो एक होम एक्सचेंज वेकेशन के लिए एडवर्टीजमेंट डालती है, जिसका उसे एक बुजुर्ग जर्मन कपल की तरफ से रिप्लाई भी आ जाता है। होम एक्सचेंज वेकेशंस में दरअसल होटल में रहने की बजाय अपने घर को वेकेशन वाली जगह पर किसी और के घर से एक्सचेंज कर लिया जाता है, जिससे दोनों ही पार्टीज के रहने और लॉजिंग का खर्च बच जाता है, साथ ही घर वाला फील भी आता है। एना मार्क को वेकेशन की डेट के बारे में बताती है तो वो कहता है कि वो इस वक्त बहुत बिजी है। तो एना उससे कहती है कि उन्होंने पहले ही डिसाइड किया था कि वो उस डेट पर कहीं तो जाएंगे। मार्क कहता है कि वो अगले महीने भी तो जा सकते हैं। तो एना कहती है कि अगले महीने उसकी डिलीवरी डेट आ जाएगी और वो नाराज होकर सोने चली जाती है। मार्क को अपनी बेपरवाही के लिए रिग्रेट होता है। वो अगले दिन एना के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और कहता है कि वो उस वेकेशन पर जाएगा और अब से उसका और बेबी का अच्छे से ध्यान भी रखेगा। वो लोग सामान पैक करने लगते हैं और एना अपने डॉग को अपने पड़ोसी लूकस के पास छोड़ने जाती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके बीच कुछ है, शायद वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। एना लूकस से कहती है कि उसे उसकी रिंग अपने घर में हर जगह ढूंढने के बाद भी नहीं मिली। क्या उसे श्योर है कि वो वहीं खोई थी? लूकस कहता है कि हाँ, वो श्योर है। एना कहती है कि अजीब बात है। वो लूकस को डॉग के खाने पीने के इंस्ट्रक्शंस देकर चली जाती है। फिर मार्क और एना टैक्सी लेते हैं और अपनी बिल्डिंग के सुपरवाइजर सेराफिन को बताते हैं कि वो एक हफ्ते में लौट आएंगे। इस बीच अगर उसे किसी भी बात को लेकर उन्हें कॉन्टेक्ट करना हो तो वो उन्हें फोन कर सकता है। फिर वो जर्मन एयरपोर्ट पर उस बुजुर्ग कपल से मिलते हैं जिसके साथ उन्होंने होम एक्सचेंज किया है। वो एक दूसरे को अपने घर की चाबी दे देते हैं। वो कपल बहुत ही वार्म और फ्रेंडली है। हस्बैंड का नाम हैंस और वाइफ का नाम उल्गा है। वो उन्हें बताते हैं कि वो अक्सर अपनी छुट्टियों के लिए इसी तरह होम एक्सचेंज करते हैं। वो लोग इतने पुराने जमाने के हैं कि उन्होंने पहला होम एक्सचेंज लेटर के थ्रू किया था। एना कहती है कि उनका तो ये पहला एक्सपीरियंस है, इसीलिए वो बहुत एक्साइटेड है। हैंस कहता है कि होम एक्सचेंज की बस तीन शर्तें हैं। पहला, कि दूसरों की चीज की इज्जत करो। दूसरा, कि उस घर में आराम से सेटल हो जाओ। और तीसरा, कि जब उस घर को छोड़ने का वक्त आए तो घर को वैसी ही हालत में छोड़ो जैसा वो मिला था। वो चारों विदा लेते हैं और मार्क और एना उस बुजुर्ग कपल के घर पहुंचते हैं। घर बहुत खूबसूरत और आलीशान है। मार्क और एना बहुत खुश होते हैं और घर को कायदे से एक्सप्लोर करते हैं। पर दूसरी ओर हैंस और उल्गा पहले ही रूल की धज्जियां उड़ा रहे होते हैं। वो घर की सारी चीजें तहस नहस करने लगते हैं। इधर मार्क को बेडरूम में एक शीशा मिलता है जो किसी स्मार्टफोन की स्क्रीन जैसा है और उससे घर के सीसीटीवी कैमरास कनेक्टेड हैं। फिर रात हो जाती है और वो कपल मार्क और एना की कुछ चीजें लेकर उस पर मंत्र पढ़ने लगता है। उधर मार्क और एना डिनर कर रहे होते हैं तो एना की नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो पूल की तरफ जा रही है। उन्हें लगता है कि ये कौन घुसाया घर में और वो उस लड़की के पास जाते हैं। वो लड़की कहती है कि उसका नाम लिली है और वो हैंस और उल्गा की बेटी है। उसे लगा था कि वो लोग कल आने वाले हैं। वो उन्हें अच्छे से ग्रीट करती है और इस तरह से उनकी प्राइवेसी में दखल देने के लिए उन्हें सॉरी कहती है और चली जाती है। मार्क और एना बेडरूम में आ जाते हैं। एना कहती है कि उनकी बेटी जरूर अडॉप्टेड होगी क्योंकि जर्मन कपल की बायोलॉजिकल बेटी एशियन कैसे दिख सकती है। वो दोनों सो जाते हैं और अचानक आधी रात को मार्क की नींद किसी अजीब सी आवाज से खुल जाती है। उसे लगता है कि वो आवाज उस शीशे से आ रही है। वो उसे देखता है तो उसे खुद के चेहरे में हैंस का चेहरा नजर आता है। अगली सुबह एना देखती है कि मार्क बिस्तर में नहीं है। वो बाहर देखती है तो कार भी पार्किंग में नहीं है। आखिर इतनी सुबह सुबह मार्क कहाँ चला गया? वो उसे कॉल मिलाती है तो हम देखते हैं कि मार्क बहुत तेज गाड़ी चला रहा है। वो एना का फोन पिक तो करता है पर कुछ बोलता नहीं। एना को घबराहट होने लगती है और अचानक उसे कार क्रैश की आवाज सुनाई देती है। एना हॉस्पिटल पहुंचती है। मार्क को कोई ज्यादा चोट नहीं आई है पर उसके घुटने में स्प्रेन आ गया है। एना नोटिस करती है कि मार्क का बिहेवियर कुछ अजीब सा हो गया है। वो उसके साथ रूखेपन से पेश आ रहा है, उसे अपने करीब नहीं आने दे रहा और चलने के लिए उसका सहारा लेने से भी इनकार कर देता है। घर पहुंचते ही मार्क अपना सूटकेस पैक करने लगता है और एना से कहता है कि तुम्हें जो करना है करो, मैं कल घर वापस जा रहा हूं। और सीन यहीं कट हो जाता है। पर अगले दिन जब एना उठती है तो देखती है कि मार्क तो बहुत अच्छे मूड में है। उसने उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। एना को उसका ये बदलाव समझ नहीं आता। मार्क उसे खाने के लिए एक पिल देता है ये बोलकर कि वो अपने विटामिन पिल्स लाना भूल गई थी तो वो उसके लिए ले आया। उसकी हालत में उसे पूरा न्यूट्रिशन चाहिए। एना पिल खाते हुए पूछती है कि अब उसका पैर कैसा है तो वो कहता है कि वो बहुत बेहतर है और वो आज बाहर घूमने चलेंगे। एना को ताज्जुब होता है क्योंकि कल तो वो यहाँ से जाना चाहता था। पर वो कुछ कहती नहीं। फिर वो और एना एक घड़ियों की फैक्ट्री में जाते हैं
तो एना को बहुत अजीब लगने लगता है। उसे बहुत गर्मी लग रही है और वो जैसे सांस ही नहीं ले पा रही। तो वो और मार्क आकर कार में बैठ जाते हैं। एना को लगता है कि शायद हार्मोनल चेंजेस की वजह से ऐसा हो रहा है। मार्क पूछता है कि क्या अब तुम ठीक हो। एना कहती है कि मैं तो ठीक हूँ, पर क्या तुम ठीक हो? कल तक तुम जाना चाहते थे, पर आज तुम यहाँ रुककर वेकेशन एंजॉय करना चाहते हो। अब मार्क अचानक उससे एक सवाल पूछता है कि क्या वो बच्चा उसका ही है। अब यहाँ ये खुलासा होता है कि कुछ सालों पहले लुकस की बीवी मर गई थी और मार्क अपने नए काम को लेकर बहुत ऑब्सेस्ड था। इस दौरान लुकस और एना मार्क की गैर मौजूदगी में बहुत करीब आ गए थे, इसीलिए मार्क अपने दिल में ये शक पाले बैठा है। पर एना उसे यकीन दिलाती है कि जब से उन्होंने फैमिली स्टार्ट करने के बारे में सोचा, उसने लुकस से हर ताल्लुक तोड़ दिया और ये बच्चा मार्क का ही है। एना रोने लगती है तो मार्क कहता है कि मैं बस तुमसे ये बात सुनना चाहता था। बीती बातों को भूल जाते हैं और नई शुरुआत करते हैं। फिर वो दोनों घर वापस आ जाते हैं। अगले दिन मार्क शॉपिंग के लिए जा रहा होता है तो एना उसे स्ट्रॉबेरीज लाने को कहती है क्योंकि उसे प्रेगनेंसी की वजह से क्रेविंग्स हो रही हैं। जब मार्क चला जाता है तो एना को लुकस का मैसेज आता है। वो कहता है कि वो जर्मन कपल बहुत अजीब हरकतें कर रहा है, पर एना उसे मैसेज करती है कि हरकतें तो तुम्हारी अजीब हैं, तुमने मार्क को हमारे बारे में क्यों बताया? तो लुकस कहता है कि उसने उनके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। एना कंफ्यूज्ड है कि आखिर मार्क को ये सब बातें कैसे पता चली। तभी उसके रूम के शीशे पर सीसीटीवी फुटेज चलने लगती है जिसमें मार्क अपने मेल्स चेक कर रहा है। तो एना भी जाकर उसके मेल्स चेक करती है। उसमें उसे हैंस का भेजा हुआ एक मेल दिखता है। मेल के थ्रू उसने एक वीडियो भेजा है जिसमें वो लुकस की खोई हुई रिंग दिखा रहा है, वही रिंग जो एना ने हर जगह ढूंढी थी पर उसे नहीं मिली थी। एना बहुत स्ट्रेस में आ जाती है, यानी कि हैंस की वजह से मार्क को ये सब पता चला। तभी डोरबेल बजती है और एना दरवाजा खोलने जाती है। वहाँ कोई नहीं होता, पर हम उसके पीछे किसी औरत के साए को गुजरते हुए देखते हैं। एना वापस अंदर आती है तो उसे बाथरूम से पानी की आवाज आती है। वो चेक करने जाती है तो वहाँ एक औरत को पाती है। वो औरत उससे कहती है कि अगली बारी तुम्हारी है, यहाँ से भाग जाओ। एना को लगता है कि शायद उस औरत की दिमागी हालत ठीक नहीं है। उसी वक्त मार्क शॉपिंग से लौट आता है। एना उस औरत को वहीं बैठने को कहती है और खुद बाहर चली जाती है। एना मार्क के पास आती है, लिली भी उसके साथ है। दरअसल शॉपिंग करते वक्त मार्क की उससे मुलाकात हो गई थी। एना मार्क को बताती है कि एक अजीब सी औरत बाथरूम में है। तभी वो औरत भी वहाँ आ जाती है। लिली उसे देखते ही मार्क और एना को पुलिस को कॉल करने को कहती है। वो औरत लिली को देखते ही उसकी गर्दन पकड़ लेती है। मार्क उसे छुड़ाता है और पुलिस आकर उस औरत को ले जाती है। एना लिली से पूछती है कि क्या वो उस औरत को जानती है। लिली कहती है कि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा। पुलिस ने बताया कि वो साइकियाट्रिक हॉस्पिटल से भागी हुई थी और उसे कैप क्रैश सिंड्रोम है जिसमें इंसान को लगता है कि वो अजनबी लोगों को पहचानता है। फिर वो तीनों घर के अंदर आते हैं तो लिली उन्हें बताती है कि आज रात उनके शहर में लोकल कार्निवल है। माना जाता है कि आज की रात विचेस धरती पर आती है और पार्टी करती है। वो उन्हें आने के लिए इन्वाइट करती है और लकड़ी के बने मास्क देती है जो कि वहाँ की हर लोकल फैमिली के पास हेयरलूम की तरह होते हैं। वो लोग उस कार्निवल में जाते हैं तो सबने लगभग वैसे ही मास्क पहने हुए थे। लिली उनसे मिलती है और मार्क को अपने साथ डांस करने के लिए ले जाती है। इस दौरान एना को फिर से अजीब सी फीलिंग होती है जैसी उसे उस खड़ियों की फैक्ट्री में हुई थी। उसे अपने पेट में दर्द भी महसूस होता है। मार्क उसे घर ले आता है। उसे लगता है कि वो स्ट्रेस्ड है तो वो उसके लिए हॉट बाथ रेडी करता है और फिर खुद भी उसे ज्वाइन कर लेता है। इधर हैंस और ओल्गा भी बाथटब में बैठे हैं। वो कैंडल्स चलाकर कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं। दूसरी ओर एना को मार्क के बैक पर एक टैटू दिखता है। वो पूछती है कि ये क्या है, तुम्हें तो टैटूज पसंद नहीं थे। मार्क जवाब देता है कि ये रीबर्थ यानी पुनर्जन्म का सिंबल है और जरूरी नहीं कि जो पहले पसंद ना हो वो आगे भी पसंद ना हो। एना उसकी चॉइस की रिस्पेक्ट करती है। हम फिर से हैंस और ओल्गा को देखते हैं। हैंस अपना सर पानी के अंदर डाल देता है। दूसरी ओर मार्क भी पानी के अंदर लेट जाता है। हैंस की जैसे सांसें उखड़ रही हैं और मार्क की भी, और अगले ही पल हैंस हाफते हुए पानी से बाहर निकलता है। ओल्गा मुस्कुराती है और हैंस कंफ्यूज्ड सा यहाँ वहाँ देखने लगता है और फिर अगले ही पल ओल्गा उसे चाकू घोप कर मार डालती है और फिर उसकी डेड बॉडी को गले लगा लेती है। इधर एना आईने में खुद को मार्क की जगह हैंस के साथ देखती है और तुरंत उसे झटक कर दूर कर देती है। तो वहाँ मार्क ही होता है। मार्क पूछता है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? तो एना कंफ्यूज होकर कहती है कि हाँ वो ठीक है। उसे लगता है कि शायद उसका ही स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया है। फिर हम लुकस को देखते हैं जो मार्क और एना के अपार्टमेंट में जाता है क्योंकि उसे लग रहा है कि उनका डॉग भागकर वहाँ आ गया है। तो ओल्गा उसे अंदर आने देती है। डॉगी वहीं पर होता है। लुकस उसे पकड़ने उसके पीछे जाता है तो बाथरूम में हैंस की डेड बॉडी देखता है और सीन यहीं कट हो जाता है। उधर एना अपनी बैग पर भी वैसा ही टैटू देखती है जैसा उसने कल रात मार्क के बैग पर देखा था।
वो जाकर मार्क पर चिल्लाने लगती है कि मेरी परमिशन के बिना तुमने ये क्यों बनवाया। मार्क कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो, हमने साथ में ये टैटूज बनवाए थे कल रात। एना पैनिक करने लगती है क्योंकि उसे तो ऐसा कुछ याद नहीं है। मार्क कहता है कि तुम्हें फिर से हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। वो एना को खाने के लिए वही पिल देता है पर एना गुस्से में उसे फेंक देती है और कहती है कि वो वापस जाना चाहती है, उसे अल्ट्रासाउंड करवाना है। मार्क कहता है कि वो तो यहाँ भी हो सकता है पर एना कहती है कि नहीं, मुझे अब यहाँ नहीं रहना, मुझे जाना है। मार्क उसे फिर से वही पिल देता है और कहता है कि अगर तुम जाना चाहती हो तो हम चले जाएंगे। एना वो पिल खा लेती है और मार्क कहता है कि मैं हैंस को फोन करके बता दूं कि हम आ रहे हैं। वो कॉल करने चला जाता है तो एना वो पिल मुंह से बाहर निकाल देती है। उसे शक हो गया है कि मार्क के साथ कुछ तो गड़बड़ है। इस बीच हम देखते हैं कि उस पिल से अजीब से कीड़े निकल रहे हैं, यानी कि एना को कोई हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं हो रहा, वो पिल ही एना के सिस्टम में गड़बड़ कर रही है। अब एना लूकस को फोन मिलाती है ताकि हैंस और ओल्गा के बारे में पूछ सके। वो क्यों कह रहा था कि वो अजीब हरकतें करते हैं, पर लूकस की जगह उसका फोन सेरफिन यानी उनकी बिल्डिंग का सुपरवाइजर उठाता है और बताता है कि उसका डॉग लापता है, साथ ही एक ट्रेजेडी हुई है, लूकस ने अपने घर की छत से कूदकर खुदकुशी कर ली है। एना एकदम शॉक्ड रह जाती है और फोन काट देती है। अब वो फटाफट एक टैक्सी बुक करती है, तभी उसे उस शीशे में ओल्गा दिखाई देती है जो जोर जोर से हंस रही है। अब गुस्से में एना उस शीशे को तोड़ देती है तो उसके पीछे उसे एक खुफिया कमरा मिलता है। वहाँ अजीब से स्क्रिप्चर्स बने हुए हैं और अजीब अजीब सी मूर्तियाँ और सामान है। अचानक एना की नज़र कुछ फोटो फ्रेम्स पर पड़ती है, उनमें से एक में हैंस और ओल्गा के साथ वही औरत है जो एना को बाथरूम में मिली थी और कह रही थी कि अगला नंबर तुम्हारा है, और दूसरे फोटो फ्रेम में हैंस और ओल्गा लिली के साथ है, यानी कि लिली ने झूठ बोला था कि उसने उस औरत को पहले कभी नहीं देखा। उसने ऐसा क्यों बोला और हैंस और ओल्गा उस औरत को कैसे जानते हैं, इसका जवाब हमें आगे मिलेगा। एना अपना पर्स उठाकर वहाँ से भागती है पर दरवाजे पर ही उसे मार्क मिल जाता है जो उसके लिए स्ट्रॉबेरीज लाया है। मार्क पूछता है कि वो कहाँ जा रही है तो एना कहती है कि मैं बस टहलने जा रही थी। मार्क कहता है पर्स लेकर, एना कहती है कि अगर कुछ खरीदने का मन हुआ तो इसलिए। मार्क पूछता है तो फिर तुम मेरे साथ क्यों नहीं आई। एना के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। मार्क कहता है कि तुम थकी हुई लग रही हो, बैठो मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ, बाहर बहुत ठंड है, बीबी के लिए ठीक नहीं होगा। वो जाता है तो एना दूसरी ओर मुड़ती है पर वहाँ लिली कुकीज की प्लेट लिए खड़ी है और कहती है कि मार्क ने उसे इनवाइट किया था और उसने खास उनके लिए कुकीज बनाई है। तब तक मार्क एना के लिए चाय लेकर आ जाता है और एना को ऐसा लगता है कि उसे उन दोनों ने ट्रैप कर लिया है। तभी उन सबको उस टैक्सी का हॉर्न सुनाई देता है जो एना ने बुक की थी। अचानक एना सब कुछ छोड़कर वहाँ से भागती है पर दरवाजा लॉक्ड होता है और वो वहाँ से नहीं निकल पाती। इस बीच मार्क पीछे के दरवाजे से टैक्सी वाले के पास जाता है और उसे कैंसिल कर देता है। इधर ओल्गा हैंस की डेड बॉडी को ठिकाने लगा देती है। उधर एना पलटती है तो लिली और मार्क उसका रास्ता रोककर खड़े हो जाते हैं। वो एना को घसीटते हुए ले जाते हैं। एना सेल्फ डिफेंस में रेजर उठा लेती है और कहती है कि तुम मार्क नहीं हो, मार्क कहाँ है। मार्क कहता है कि वो बार्सिलोना में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। एना समझ जाती है कि उन लोगों ने कोई बॉडी एक्सचेंज रिचुअल किया है, मार्क हैंस की बॉडी में है और हैंस मार्क की, और अब उसकी बारी है। ठीक जैसा उस औरत ने कहा था, यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि लिली ने भी उसी औरत से बॉडी एक्सचेंज की थी, इसीलिए उसने उस पर हमला कर दिया था और शायद ये घर भी उसी का है, तभी तो उसे बाथरूम तक का रास्ता मालूम था। हैंस ओल्गा और लिली अपनी ओल्ड बॉडीज को यंग लोगों की बॉडीज से बदल लेते हैं और ये काम वो सालों से करते आ रहे हैं। एना वो रेजर अपनी गर्दन पर रख लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें अपनी बॉडी नहीं लेने दूंगी। लिली कहती है कि तो फिर क्या तुम खुद को मारकर अपने बच्चे को भी मार दोगी। अब एना टूट जाती है और रोने लगती है। यहाँ ओल्गा फिर से वो रिचुअल करने लगती है और अपना सर पानी में डुबा देती है। इस दौरान वो खुद को हथकड़ी भी लगा देती है ताकि जब एना उसकी बॉडी में आए तो वो कहीं भाग ना सके। दूसरी ओर मार्क और लिली जबरदस्ती एना को पानी के अंदर डाल देते हैं और एना की बॉडी ओल्गा की बॉडी से एक्सचेंज हो जाती है। एना खुद को ओल्गा की बॉडी के अंदर अपने बार्सिलोना वाले अपार्टमेंट में पाती है। वो बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपना हाथ हैंडकफ से बाहर निकाल लेती है। फिर वो स्टोर रूम में जाती है तो वहाँ हैंस की लाश देखती है। वो शॉक रह जाती है ये देखकर कि मार्क मर चुका है। फिर उसकी नज़र आईने के थ्रू खुद पर पड़ती है। उसे रियलाइज होता है कि एक ही पल में उसका चेहरा, उसका यूथ सब छिन गया। और अचानक वो ये भी रियलाइज करती है कि उसका बेबी भी तो अब उसके पास नहीं है। वो जोर जोर से रोने लगती है। यहाँ हैंस और ओल्गा मार्क और एना की बॉडी में बहुत खुश हैं। अब तो उनकी फैमिली में एक और मेंबर भी ऐड हो जाएगा। ओल्गा सेरफिन को फोन करके कहती है कि उसके मेहमानों ने कहा है कि उनको किसी चीज के लिए उसकी जरूरत है तो वो जाके जरा चेक कर ले। सेरफिन अपार्टमेंट में जाता है तो हैंस की लाश देख लेता है और तुरंत पुलिस को कॉल करता है। इस बीच एना खुद को छुपा लेती है
वो समझ जाती है कि ये उल्गा की चाल है उसे जेल भेजकर उससे पीछा छुड़ाने की। तभी तो उसे हैंडकफ किया गया था ताकि पुलिस आए और तुरंत उसे गिरफ्तार कर ले। उल्गा फिर से सेरफिन को फोन करती है अपडेट लेने के लिए और ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे उसे लाश के बारे में कुछ पता ही नहीं था। जब उसे पता चलता है कि एना अपार्टमेंट में कहीं नहीं मिली तो वो थोड़ा टेंस हो जाती है और कहती है कि वो पुलिस के काम में बाधा नहीं बनना चाहते, इसीलिए वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद आएंगे। तब तक वो उन्हें अपडेट देता रहे। वो फोन काट देती है और लिली उनसे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो भाग भी गई तो क्या, उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। उधर पुलिस आती है और एना छिपते हुए बैक डोर से बाहर आ जाती है। वहाँ उसे उसका डॉग मिल जाता है। इधर लिली हैंस और उल्गा को बार्सिलोना वापस जाने को कहती है ताकि वो एना को ढूंढकर उससे छुटकारा पा सके। जब तक वो जिंदा है उनके लिए खतरा है। तो हैंस और उल्गा वापस आ जाते हैं। एना जो अब तक अपने घर के आसपास ही छुपी हुई थी उन्हें देख लेती है कि वो वापस आ गए हैं और अपने बेबी को देखकर वो इमोशनल हो जाती है। वो उस हॉस्पिटल जाती है जहाँ वो काम करती थी और चुपके से वहाँ से कुछ मेडिकल सप्लाईज ले आती है। यहाँ हैंस और उल्गा बच्चे का नाम डिसाइड कर रहे हैं और हैंस कहता है कि अगर बेटी हुई तो क्यों ना हम उसका नाम मॉम के नाम की तरह लिली रखें। इसका मतलब कि लिली उनकी बेटी नहीं उनकी माँ है, उसकी बॉडी उनके मुकाबले यंग है और किसी को शक ना हो इसीलिए वो उसे अपनी बेटी बताते थे। और जो फोटो फ्रेम सेना को उस सीक्रेट रूम में मिले थे जिसमें उस औरत की तस्वीर हैंस और उल्गा के साथ थी वो दरअसल कोई और नहीं बल्कि उनकी मॉम ही थी। और उस एशियन लड़की की बॉडी से उन्होंने अपनी मॉम की बॉडी एक्सचेंज करी थी। और यहाँ मुझे ये भी लग रहा है कि हैंस और उल्गा हस्बैंड वाइफ नहीं बल्कि भाई बहन हैं। और किसी को शक ना हो इसीलिए वो सबके सामने खुद को हस्बैंड वाइफ बताते हैं, क्योंकि जब वो दोनों बार्सिलोना के लिए निकल रहे थे तो उन्होंने लिली को मॉम कह के ही एड्रेस किया था और उसने भी उनके माथे पर ऐसे किस किया था जैसे माँ करती है। खैर ये बॉडी एक्सचेंज रिचुअल उनका फैमिली सीक्रेट है, शायद इसीलिए हैंस और उल्गा ने किसी से शादी नहीं की और इसी तरह जिंदा रहकर अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। एनीवे बैक टू द स्टोरी, जब हैंस नाम सजेस्ट करता है तभी डोरबेल बजती है। वो दरवाजा खोलता है तो वहाँ स्ट्रॉबेरीज का बॉक्स देखता है और समझ जाता है कि एना वहाँ आ चुकी है। वो सीढ़ियों से नीचे भागता है और बिखरी हुई स्ट्रॉबेरीज का पीछा करते हुए एक रूम में पहुँचता है। तभी एना उस रूम को बाहर से बंद करके भाग जाती है। फिर हम देखते हैं कि जब उल्गा शावर में होती है तो एना उसकी गर्दन में एक इंजेक्शन घुसा देती है। उस इंजेक्शन से उल्गा बेहोश हो जाती है और फिर एना उल्गा को एक टेबल से बांध देती है। इस बीच एना को होश आ जाता है। एना उसे एक और इंजेक्शन देती है ये कहते हुए कि ये ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन है और इसकी वजह से उसकी डिलीवरी अभी हो जाएगी। अब इस प्रोसेस में उल्गा को बहुत दर्द होता है पर एना उस पर कोई रहम नहीं दिखाती। उल्गा उसे अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करती है और कहती है कि जब ये बच्चा 10 साल का होगा तो तुम 80 की होगी, तुम तो शायद तब तक जिंदा भी नहीं रहोगी। पर एना कुछ नहीं सुनती और बेबी को इंस्ट्रूमेंट की मदद से निकाल लेती है। दूसरी तरफ सेरफिन उस रूम की तरफ से गुजरता है जिसमें हैंस बंद है और वो उसकी आवाज़ सुनकर उसे बाहर निकाल लेता है। हैंस सेरफिन को कहता है कि तुरंत पुलिस को कॉल करो, वो पागल जर्मन औरत इसी बिल्डिंग में है। एना हैंस के आने की आहट सुन लेती है और जैसे ही वो अंदर आता है वो उसे वास से हिट करके बेहोश कर देती है। वो अपने बेबी को लेने आती है तो उल्गा उससे कहती है कि वो उसे खोल दे, वो अभी भी अपनी बॉडी वापस पा सकती है उस बेबी के ब्लड से। पर इससे पहले कि एना कुछ जवाब दे मार्क उस पर हमला कर देता है और उसका गला दबाने लगता है। उल्गा इस मौके का फायदा उठाकर अपने हाथ खोलने लगती है। इसी सब में एक कैंची टेबल से नीचे गिर जाती है और एना के हाथ लग जाती है। एना वो कैंची हैंस की बॉडी में घोप देती है और उसकी वहीं डेथ हो जाती है। अब एना देखती है कि रूम में उल्गा और उसका बेबी दोनों ही नहीं है। तभी उसे बेबी के रोने की आवाज़ आती है और वो उसका पीछा करते हुए किचन में पहुंचती है। उसका बेबी सिंक में पड़ा रो रहा होता है। तभी अचानक पीछे से उल्गा उस पर चॉपर से वार करती है पर वो स्टार्ट नहीं होता। एना उससे वो चॉपर छीन लेती है और उसे ऑन कर लेती है और फिर किचन की पूरी दीवार खून से लाल हो जाती है। और एना कहती है कि उसे अपनी नाक कभी पसंद नहीं थी, यानी कि जब उल्गा ने उसे उसकी बॉडी वापस करने का ऑफर दिया था तब भी एना ने अपनी बॉडी की बजाय अपना बेबी चुना था। फिर पुलिस आती है और एना चुपके से वहाँ से अपनी बेबी और डॉगी को लेकर निकल जाती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। मूवी का नाम द कुकूज़ कर्स एक मेटाफर की तरह इस्तेमाल किया गया है, जैसे कोयल अपने अंडे दूसरे के घोंसले में रख देती है और हैच होने के बाद उसका बच्चा उस होस्ट बर्ड के अंडों को घोंसले से बाहर कर देता है ताकि उस घोंसले के मालिक बर्ड को इस बात का पता न चले कि वो उसके बच्चों से अलग है और उनका नहीं है। ठीक उसी तरह हैंस और उल्गा दूसरों की बॉडीज और घरों का इस्तेमाल करते थे और जिनकी बॉडीज वो लेते थे उन्हें किसी तरह रास्ते से हटा देते थे ताकि उनका राज हमेशा राज ही रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब और मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।